हाय गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल। सो मैं चला रहा हूँ Hyundai Venue, या आई नो ये कल ही लॉन्च हुई है और मैं 21st को ही चला रहा हूँ, द फर्स्ट डे ऑफ लॉन्च। ऑल थैंक्स टू श्री Hyundai, हम लोगों ने उनसे कॉन्टैक्ट किया और वी आर रियली ग्रेटफुल कि हमारे जैसे छोटे माइक्रो इन्फ्लुएंसर को इन्होंने इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी दी ये गाड़ी चलाने की ऑन दी रियली वेरी फर्स्ट डे। और देखिए, बताइए कैसा लगता है, गाड़ी कैसी लगती है। मेरा एक्सपीरियंस जो ये शॉर्ट राइड के अकॉर्डिंगली लग रहा है कि काफ़ी सिंपल लेआउट है। वो बहुत ज़्यादा बटन्स और बहुत ज़्यादा बड़ा डिस्प्ले नहीं दिया उन्होंने, चीज़ें बहुत सॉर्टेड है। यहाँ पे क्रूज कंट्रोल का बटन है, यहाँ पे मोड्स है, यहाँ पे डैशबोर्ड बहुत क्लीन और बहुत सिंपल है। शबिस्ता को कैसा लग रहा है? मुझे भी एक्चुअली बहुत अच्छा है। कुछ कार्स में जैसे हम लोग गए थे पहले भी, और वहाँ पे हम लोगों को विंडोज इतने ज्यादा बड़े नहीं थे, जहाँ पे हम लोगों को बहुत ज्यादा कंजेस्टेड लग रहा था। बट ओवरऑल जो लुक्स है गाड़ी का बाहर से, मुझे अच्छा लगा। जो प्रॉपर इस गाड़ी के कॉम्पिटिटर्स है, टाटा की नेक्सन हो गई, या फोर्ड इको स्पोर्ट्स हो जाए, या महिंद्रा की XUV 300 है, उनके अकॉर्डिंगली ये लुक काफ़ी फ्रेश लग रहा है मुझे। और स्पेशली जो हेडलैम्प्स का जो स्ट्रक्चर है वो प्रॉपर, जो हमेशा से हम लोग देखते हैं ऊपर हेडलैम्प्स और नीचे टेल सिग्नल लाइट, इसमें वैसा नहीं है। पूरा लेआउट ही चेंज कर दिया Hyundai ने, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है ये। और ये सब जो फीचर्स आप लोगों ने देखे जब भी, वो मुझे बहुत अच्छे लगे कि आपको अगर कुछ भी तरीके की प्रॉब्लम होती है तो ये SOS दबा के आप एम्बुलेंस को बुला सकते हो, या फिर ये कॉल का बटन दबा के आप Hyundai के जो सर्विस सेंटर वाले उनको बुला सकते हो। ये चीज़ें काफ़ी अच्छी है। और AC वेंट्स काफ़ी अच्छे अलग शेप के हैं, मोस्टली सर्कल या रेक्टेंगुलर शेप के होते हैं, ये थोड़े अलग शेप के हैं। मुझे काफ़ी अच्छा लग रहा है चला के गाड़ी। आई एम हैप्पी कि SUV होने के बावजूद इसका टर्निंग रेडियस काफ़ी अच्छा है, और जो ये बम्पी रोड्स है, हम लोग अभी जितना भी जा रहे थे तो इन सब पे गाड़ी कहीं भी टच नहीं हुई नीचे। आई लाइक के जो बज रहा था, दैट वाज फॉर द सीट बेल्ट, बहुत अच्छा था एक्चुअली, जो कुछ मुझे नहीं पता था। और गाड़ी एक्चुअली बहुत अच्छी लगी, डिजाइन बहुत अच्छा है गाड़ी का। आई लाइक द ट्विन हेडलाइट जो दी हुई है, वो बहुत अच्छी है। 6 कप होल्डर्स है, जो आई गेस फैमिली के लिए बहुत ज्यादा अच्छा होगा, शबिस्ता के लिए तो ज्यादा अच्छा होगा, बहुत पानी पीती है ये। प्राइस स्टार्ट होता है 6.5 लाख एक्स शोरूम जो है मुंबई का, और अराउंड 10 लाख समथिंग जाता है फॉर दी टॉप मॉडल एक्स शोरूम प्राइस। एग्जैक्ट प्राइस कितना होगा वो आप लोगों को शोरूम में आके मिल जाएगा। डिस्क्रिप्शन में मैं श्री Hyundai का मोबाइल नंबर दे दूंगा यहाँ का, और एड्रेस दे दूंगा। अगर आप लोगों को गाड़ी के बारे में कुछ भी इंक्वायरी निकालनी है, प्राइजेस को लेके, वेरिएंट्स को लेके, तो आप वहाँ पे कॉन्टैक्ट करके बात कर सकते हो। तो गाइस, अभी हमारे साथ है एरिक श्री Hyundai के जो ट्रेनर है, ये हमें Venue के जो फीचर्स है और जो भी उसके टॉप चीज़ें हैं वो सब बताएंगे। सो ओवर टू यू एरिक। हाय फ्रेंड्स, सी माय नेम इज़ एरिक जॉन, आई एम फ्रॉम श्री Hyundai। वी आर लोकेटेड हियर इन कांदिवली मुंबई, एंड आई एम हियर टू एक्सप्लेन यू द फीचर्स ऑफ ऑल न्यू Venue। दिस इज़ अ सब 4 meter SUV। लेट्स स्टार्ट अप विद द फ्रंट। आई मीन यू कैन सी द कार, इट हैज़ गॉट द बोल्ड एंड वाइडर लुक ओवर हियर। The most beautiful thing you can see is that the turn indicators has been posted on top of it, which is a new style made by Hyundai.
you have projector headlamps available. You can see that the projector headlamps comes with the cornering lamps. Let us see the features available inside the car. So now we are in the interior of the all new Venue, which you can see here. I mean, this is a broader interior, which you can say, and you can get the feeling. I mean, you are driving a premium vehicle. If I talk about the safety, Hyundai offers 6 airbags in the top end segments and dual airbags in ABS and EBD. You get the tilt and telescopic feature available in the steering, so you can adjust it accordingly. You get the steering mounted controls. You get the voice recognition features. You get the cruise control available here in the steering. This is the 8 inches AVNT. Audio video navigation technological system. 33 features wherein you can remotely on and off the engine of your car. You can set the geo tagging of your car. You can also start your AC of your car by remotely, as well as you can share your car, your location of your car to 5 people. And the best thing about that is, if in case someone is driving beyond the limitation whatever you have set, that you will get the notification of each and everything. In case of theft, whenever the car is going to be at the neutral mode, you will get the notification and you can stop the engine then and there itself. So that is one of the best feature available. Here in this, we are also offering fully automatic temperature control. And then apart from the temperature control, we are also offering you the air purifier system. We are also offering the wireless charging option. Now, talking about the engine, the Hyundai Venue is available with 1 liter turbo charge engine, which offers you 120 PS of power in 1.2 liters and 1.4 liter diesel engine. So you have a really good engine option available. People who are sitting behind, I mean, you can control your music system while sitting behind. That is called the iBlue application, wherein if I sit behind, I have to just download an application called iBlue and I can access to the entire system. So ye tha hum logo ka chota sa ek test ride. मज़ा आया हम लोगों को. अगर आप लोगों को भी अच्छा लगा तो ज़रूर आओ श्रीम हुंडई में और अपनी गाड़ी बुक करके जाओ और बताना आप लोगों का एक्सपीरियंस. अगर आप लोगों के पास ऑलरेडी कोई हुंडई की कार है तो कैसा रहा. सो मिलेंगे अगले हफ्ते. जब तक के लिए ताला बाबे, सी यू, बाय.